नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइटर जेट की जो सबसे लीथल और सबसे बेस्ट माना जाता है अपने सेगमेंट में। जिस सेगमेंट में जैसे कि भारत MMRCA 2.0 कर रहा है, तो इसमें सबसे बेहतरीन है अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो। इसके अलावा अगर पिछली बात करें तो जब MMRCA आया था, तब साब का यही एक जो फाइटर जेट था जो सबसे आगे था, लेकिन फिर अल्टीमेट कुछ ऐसे रीजंस बने जिनकी वजह से राफेल को चूज़ किया गया। लेकिन दोस्तों, जो ग्रीपेन है, इसका जो ई मॉडल है, वो भारत को ऑफर हुआ था, लेकिन ये सबसे बेहतरीन और सबसे लीथल है। पहले मैं इसके बारे में बता दूँ, फिर आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा बैक ऑफ द लाइन। तो बता दूँ कि साब का जो इस विमान को लेकर दावा है, इस विमान में गाइडेड बॉम्ब, साथ ही लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइल ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा ये विमान हवाई हमले करने में भी सक्षम है, और वो भी बहुत स्पीड से। ग्रापिन ई में सेंसर के साथ साथ AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और डेटा लिंक जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। वो ये टेक्नोलॉजी पायलट और को पायलट को हर जरूरी जो जानकारी उसे पहुंचाने में मदद करती है। सिंगल सीट पर ग्रापिन ई में 27 mm की माउजर B-27 गन और इसकी मदद से हवा से जमीन और समुद्र तक निशाना साध सकता है। ग्रिपेन ई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे कि यह हर प्रकार का हथियार ले जाने में सक्षम है। दुनिया में बेहद ही कम ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं, मैं आपको बता दूं पहले, कि जो ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो बहुत ही स्पीड से चलें और बहुत ज़्यादा हथियार लेकर चलें। तो उनमें से ग्रिपेन ई है जो मारक क्षमता के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ग्रिपेन ई सबसे तेज गति का Mach 2 है। यह विमान करीबन 2470 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकता है। यह बहुत ही लेथल इसे बनाता है इसकी स्पीड ही। इसके अलावा ग्रिपेन ई में करीबन 12.2 मीटर लंबा और करीबन 8.5 मीटर चौड़ा है, और ग्रिपेन ई 16,500 किलो वजन लेकर उड़ान भर सकता है। यही इसका एक वीक पॉइंट है, क्योंकि जो F-21 या फिर जो राफेल है वो करीबन 20,000 के आसपास करते हैं जो अपने साथ वजन लोड को। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी जो खूबियाँ हैं इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ ही जो स्वीडिश की जो फेमस ही बहुत कंपनी है साब, इसने सारी टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी 100% टेक्नोलॉजी वो भारत को देने को तैयार है। इसके अलावा इंडिया में ही सब कुछ बनाने को तैयार है, और साथ ही ये भी कह रहा है कि इंडिया में जब जैसे कि कोई एशियन कंट्री है वो ऑर्डर करेगी ग्रिपेन का, जैसे कि म्यांमार इंटरेस्टेड है या फिर मलेशिया इंटरेस्टेड है ग्रिपेन में, तो वो भारत में ही बना के इससे कि भारत में रोजगार उत्पन्न हो, इसमें भी वो मदद करेगी। इसके अलावा साहब ने कहा कि जो फैक्ट्री की स्थापना के साथ साथ ही वो एयरोस्पेस क्षमता के विकास में अगले 100 वर्षों तक भारत की मदद करेगा। साथ ही मैं एक बात बता दूं यार, जो इस वीडियो को देख रहा है वो सिर्फ कमेंट में लिखने वाले हैं कि भारत इसे नहीं लेगा क्योंकि भारत तेजस का विकास कर रहा है। मैं बता दूं, देखो, तेजस के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है कि असेंबली लाइन, यानी कि वो उनका डिजाइन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो उस स्पीड से बना नहीं पाते, उसे प्रोडक्शन इस हिसाब से नहीं कर सकते। उनकी जो प्रोडक्शन स्पीड है वो इंडियन एयरफोर्स की जो डिमांडिंग स्पीड है उसके साथ मैच नहीं होती। अगर ग्रिपेन भारत लेता है तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो एक असेंबली लाइन स्थापित करके दे सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को, जिससे कि भारत तेजस फ्यूचर में तेजस जितने भी मॉडल होंगे LCA वगैरह भी तेजस के, वे सब MK2 उन्हें स्पीड के साथ बना सकता, साथ ही जिससे कि हम अपनी एयरफोर्स के साथ ही अपनी एयरफोर्स की जो डिमांड है उसे तो करेंगे, साथ ही जो अन्य देश इसमें इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि मलेशिया के बारे में भी आया था कि वो इसमें इंटरेस्टेड है, इसके अलावा ब्रुनेई जैसे देश इसमें इंटरेस्टेड है, वो अगर खरीदने के लिए टेंडर देंगे तो हम उन्हें टाइम पे ऑर्डर दे पाएंगे। जो डिफेंस जो इंडस्ट्री होती है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो हर कंट्री से कुछ खरीद रही है किसी दूसरी कंट्री से, तो वो इस क्लोज को जरूर रखती है कि हमें टाइम पे चाहिए हथियार। अगर हम मान लें हमें ऑर्डर मिलते भी हैं तेजस से, तो हम उन्हें टाइम पे जो अगर अभी बात करें जैसे कि मैं बताया अभी मलेशिया कह रहा है कि हम इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात पे पीछे हट रहे हैं कि क्या HAL उस स्पीड से हमें बना के टाइम पे डिलीवरी दे पाएगा। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, और साब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है एक असेंबली लाइन बना के, जिससे कि हम स्पीड से चीज़ों को बना सके। इसके अलावा जो तकनीक का हस्तांतरण तो हमें मिलेगा ही, साथ ही वस्त्र और भारत का पूरे सिस्टम और सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण होगा, सॉफ्टवेयर पर भी भारत का पूरा नियंत्रण होगा। साब के अलावा फिलहाल अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने भी मेक इन इंडिया की तर्ज पर अपने जो इनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्हें बनाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी देखते हैं कि किस से ये मिलता है MMRCA 2, अभी तो कुछ होने वाला नहीं, जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होते उसके बाद नई गवर्नमेंट जब फॉर्म होगी
भले ही वो करंट हो या फिर नई आने वाली हो, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो इसे लेकर आगे चलेगी। इसके अलावा वो यहाँ पर जो साहब है वो अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने को भी तैयार है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या इसे चूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता। हालांकि इंडियन एयरफोर्स इसे लेकर बहुत ही उत्साहित थी 2015 और 16 में भी, लेकिन उस टाइम पे ऑर्डर दिए जा चुके थे। लेकिन अब इसका जो ई मॉडल है वो भारत को कहा जा रहा है कि वो खरीद ले, अगर ये बहुत ही एक तरह से पावर पैक है एक चीज़। लेकिन अभी देखना होगा कि इसे खरीदता है नहीं, क्योंकि इसके हर खरीद के पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती है जुड़ी हुई, कुछ ना कुछ तो मैटर करता है ये। सिर्फ अगर एयरक्राफ्ट ही खरीदना होता तो डसॉल्ट से पहले ही, जो राफेल से पहले ही इसे चूज़ किया जाता, ग्रिपेन को। लेकिन अब देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन इंडियन एयरफोर्स ने लेगी, अल्टीमेट डिसीजन तो गवर्नमेंट ही लेगी कि किसे चूज़ करना है। इंडियन एयरफोर्स गवर्नमेंट को कम से कम 2 या 3 चूज़ देगी कि इनमें से चूज़ कर लीजिए। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड और अन्य अलग सेक्टर्स की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।